Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं Realme 8 और 8 5G के अंदर आप अपने एप्लीकेशन को कैसे क्लोन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको कोई भी एप्लीकेशन इस फोन में डुअल करना है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस फोन के अंदर आप कैसे एप्लीकेशन को डुअल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको फोन की सेटिंग ओपन करनी है। इसके बाद आपको यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल करना है। जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, तो आपको सिंपल ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे देखने को मिल जाता है ऐप क्लोनर, तो सिंपल आपको ऐप क्लोनर पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स, आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन होंगी जिनको आप क्लोन कर सकते हैं वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। मतलब आपको फोन में जो भी एप्लीकेशन है जिनको आप जैसे कि चाहें इंस्टाग्राम वगैरह जो भी आप चाहते हैं एप्लीकेशन क्लोन करना, वो आपको सभी यहाँ पे शो हो जाएंगी। जो आपको एप्लीकेशन यहाँ पे शो होती है वही एप्लीकेशन को आप क्लोन कर सकते हैं। तो जिसके हमें अमेजोन के लिए क्लोन करना है तो अमेजोन पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको टैप कर देंगे तो हमारा एप्लीकेशन ही क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डुअल एप्लीकेशन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन ही क्लोन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस अमेजोन को अपने नाम से भी क्रिएट करा सकते हैं। जैसे कि आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम ऐप पर क्लिक करके आप अपना नाम भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम यहाँ पर डालने के बाद आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे आपके नाम से ये एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगा। तो हम डेस्कटॉप पर आते हैं तो देख सकते हैं हमारा अमेजोन यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। अमेजोन तो है पर यहाँ पे नाम हमारा आना स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, आप समझ चुके होंगे इस फोन के अंदर आप कैसे अपने एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।